अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल गाइज आर, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। वेलकम टू माई चैनल जीना सुजान। वेल इन टूडेज वीडियो आई विल लेट यू गाइज नो हाउ टू मेक दिस अमेजिंग हेयर सीरम विच लुक्स लाइक सो। हेयर यू गाइज कैन सी इट्स क्वाइट क्रीमी एंड यमी। वेल इट्स रियली रियली अमेजिंग फॉर योर रफ एंड टफ हेयर, क्योंकि आपके रफ और ड्राई हेयर के लिए इट विल वर्क लाइक मैजिक। आपके बाल बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड फील होंगे, आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत शाइनी से और स्ट्रेट से हो गए विदाउट एनी यूजिंग यू नो स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर लाइक सो। और इसको किस तरह से बनाना है और कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी बार हमने इसको अप्लाई करना है जिसके बाद हमें अमेजिंग रिजल्ट्स यू नो मिलेंगे, तो वो बहुत सिंपल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, यू गाइस कैन सी, इट्स ऑलिव ऑयल। यू कैन बाई एनी ऑफ योर फेवरेट ब्रांड, और मैंने ये वाला बाई किया हुआ है। आपको जो भी पसंद हो, आप अपनी यू नो बजट के अकॉर्डिंग कोई भी आप बाई कर सकते हैं। सो ऑलिव ऑयल इज़ रियली वेरी अमेजिंग फॉर यू नो ड्राई हेयर। ये ना सिर्फ हमारे ड्राई हेयर के लिए अच्छा होता है ऑयल, बल्कि हमारे ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें प्लांट वाली यूज़ नहीं करनी है, बल्कि मार्केट वाली जो इस तरह से है वो वाली यूज़ करनी है। इसमें भी आप अपने फेवरेट वाली कोई भी ब्रांड की आप ले लें, और इसका 1 टेबल स्पून जो है वो हमने भर कर डालना है। ओके ओके, द थर्ड इन्ग्रीडियंट इज दिस विटामिन ई कैप्सूल्स, इस एवियन कैप्सूल्स। तो 2 कैप्सूल्स जो है वो मैंने इसके अंदर डाल देने। ओके, ये सब कुछ जो है वो मैं सिर्फ फॉर मेकिंग यू गाइज अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी जो क्वांटिटी है अपने बालों के अकॉर्डिंगली बनानी है। ज़्यादा बनेगी ऑफकोर्स, क्योंकि इतने कम सीरम के साथ था आपके बाल कवर नहीं यू नो होंगे। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बालों के लिए तो ये बहुत कम होगा। ओके, द फोर्थ इन्ग्रीडियंट इज़ रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर का 1 टेबल स्पून जो है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद आई विल मिक्स ऑल दिस इन्ग्रीडियंट्स रियली वेल। और मिक्स जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, हेयर गाइस कैन सी कि इसके अपीयरेंस जो है वो चेंज हो रही है, यानी इसका कलर चेंज हो रहा है। और ये इस तरह का सीरम बन रहा है जब हम यू नो सैलॉन्स वगैरह में हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह के मास्क वगैरह अपने यू नो बालों वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह की चीज़ बन जाती है। सो या इस तरह से खुद घर पर बनाकर इस तरह से स्टोर कर लें और ख़ुद अपने बालों को यू नो ट्रीट करें, तो ऑफकोर्स हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी और प्यारे से नीट एंड क्लीन से हो जाएंगे। हेयर यू गाइस कैन सी, ये इस तरह का मास्क जो है वो मास्क नहीं, हेयर सीरम जो है वो बन जाएगा। हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, हमने इसको आफ्टर टेकिंग शॉवर हमने अपने बालों की सारी लेंथ में अप्लाई करना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए अपने हाथ पर जस्ट इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और हेयर यू गाइस कैन सी कि कितनी शाइन और कितनी ग्लो मेरे हाथ को इसने यू नो दी है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप शॉवर लेने के बाद डैम्प हल्के गीले बालों के अंदर अपने बालों की लेंथ में यू नो इसको अप्लाई करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी से और हाइड्रेटेड से हो जाएंगे। हमने इसको वीक में 3 टाइम्स करना है आफ्टर टेकिंग शॉवर। इससे क्या होगा कि आपके जो स्प्लिट एंड्स होंगे वो भी यू नो ख़त्म होंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और जो रफ़ और बिल्कुल वो ड्राई से बाल होते हैं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन द ओनली थिंग इज़ टू बी कंसिस्टेंट, आपने कंसिस्टेंटली इसको वीक में 3 टाइम्स करना है। या आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको किस तरह का रिजल्ट मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।